उत्तर प्रदेश ने आज निवेश और रोजगार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जहां यूपी के विकास को लेकर तमाम बातें हुई, वहां ये भी कहा गया कि अब यूपी ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इसके साथ ही उन्होंने एग्जीबिशन भी देखा। दरअसल पिछले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था और निवेश के प्रस्ताव आए थे। अब उन निवेश के प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारा जा रहा है, उसी दिशा में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। और ख़ास बात ये है कि प्रधानमंत्री ने बोलते हुए कहा कि अब यूपी में रेड टेप कल्चर नहीं, रेड कारपेट कल्चर है, यानी जो निवेशक यहाँ पर आते हैं उनका स्वागत होता है। देश विदेश के कई निवेशक और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल हुई। इसमें वो लोग भी शामिल हुए जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिसमें टिशा हैं, जिनके 5 प्लांट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है। किस क्षेत्र में है आपके आपका निवेश और आपको क्या लगा उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहिए और ये एक बड़ा उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्राइम खत्म हो चुका है। लोग फ्रीली, मतलब लाइक पहले जो लोग यूपी में आने से भी डरते थे, अब क्या है वो खुल के आ भी रहे हैं। बाहर के इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, खुद के वहाँ के लोकल भी इन्वेस्टर, खुद यूपी के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब जो है बाहर के लोग, इंटरनेशनल लोग भी यूपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि यूपी अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, अनलिमिटेड पोटेंशियल का एक स्टेट है, प्रदेश है। आपको लगता है जो बाहर से निवेशक इन्वेस्टर्स आए हैं, आप लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में यूपी में माहौल ठीक हुआ है? बहुत अच्छा माहौल हुआ है और लोगों को आना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी हैं, वो सपने में, मतलब एक सपने की बात नहीं है, सच्चाई में धरती पे साकार हो रही हैं। ये जो योजनाएं, हमारे 5 प्रोजेक्ट आए, बहुत खुशी है आज कि प्रधानमंत्री जी ने आज हमारा उसका भूमि पूजन उद्घाटन किया है। तो हम ये चाहेंगे कि और भी लोग अलग अलग प्रदेश से उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करें और जो माननीय मुख्यमंत्री ने योजनाएं लाएं उनका लाभ उठाएं। तो यूपी को ग्रोथ इंजन बनाने में आज का दिन बेहद खास दिन साबित होने वाला है, क्योंकि निवेश परियोजनाएं जब ज़मीन पर उतरती हैं तो उनका लाभ उत्तर प्रदेश को होता है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें कहा यह जा रहा है, सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि जो 34 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ या रोज़गार इससे सृजित होंगे। जो निवेशक आए हैं वो जिस तरह का काम लाएंगे, अपने आप में ये यूपी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।